रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चों मुख्यतः चार प्रकार की, मुख्यतः बच्चों चार प्रकार की होती हैं। तो बच्चों कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया क्या बच्चों? योगात्मक अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया क्या बच्चों? योगात्मक अभिक्रिया है। क्या है आपका? योगात्मक अभिक्रिया। और दूसरी रिएक्शन क्या है बच्चों आपका? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब क्या था बच्चों? टूटना, टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया। और योगात्मक मतलब क्या था बच्चों? जुड़ना। और जो आपकी थर्ड है बच्चों वह क्या है आपका? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट मतलब विस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब बच्चों ये आपका क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगी। ये क्या होगा बच्चों? विस्थापन। कहने का मतलब बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया होंगी। और जो चौथा बच्चों आपका आता है वो आपका आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। बच्चों क्या आपका? आक्सीकरण अपचयन, आक्सीकरण अपचयन, आक्सीकरण अपचयन, जिसको बच्चों क्या कहते हैं? रिडॉक्स कहते हैं। किसको क्या कहते हैं बच्चों? रिडॉक्स कहते हैं। रिडॉक्स वह अभिक्रिया होती है बच्चों जब ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया दोनों साथ साथ में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हियर वी कैन सी योर फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। सेकेंडली वियोजन अभिक्रिया बच्चों। थर्डली अब क्या रहा? प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। एंड नाउ फोर्थ इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। तो नाउ वी आर कमिंग योर टॉपिक विच इज द योर एडिशन रिएक्शन बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। तो योगात्मक अभिक्रिया, यदि बच्चों बात करें योगात्मक अभिक्रिया की, तो योगात्मक अभिक्रिया क्या है? योगात्मक का क्या मतलब होता है? योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना। योगात्मक का क्या मतलब? जुड़ना। और रासायनिक अभिक्रिया क्या है बच्चों? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई पदार्थ बना, तो वही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। और ये हम कैसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ बना दे बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब निकला? तो बच्चों कहने का क्या मतलब निकला? जब दो या दो से अधिक, जब बच्चों दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर, आपस में बच्चों जुड़कर एक पदार्थ बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक पदार्थ बनाते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया। तो बच्चों से हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम बात करें बच्चों एग्जाम्पल की, यदि हम बात करें बच्चों
आपके एग्जांपल की, तो स्टार्टिंग में आपने इसके बारे में देख चुके हैं, जैसे आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बनाते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या आपका एक योगात्मक अभिक्रिया है। तो यदि बात करें और एक एग्जांपल की, जैसे बच्चों हमने बात कर लिया था मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके आपको क्या बनाता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है बच्चों। तो ये भी क्या आपका योगात्मक अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से बच्चों इसे हम देख लिए, इस प्रकार से बच्चों हम इसे देख लिए। कुछ लोग बताएंगे बच्चों कि हाँ ये इसके बराबर होना चाहिए ऑक्सीजन कार्बन के, तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है, आप वैसे भी बनाएंगे तो वो भी सही है आपका। तो ठीक है, ये हमने आपका पढ़ लिया कि योगात्मक अभिक्रिया बच्चों क्या है। अब हम आपका देखेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपकी बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया की, मतलब अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो बच्चों आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह अभिक्रिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अपघटन अभिक्रिया, मतलब बच्चों वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया मतलब बच्चों ये आपका क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया मतलब वियोजन अभिक्रिया बच्चों ये क्या होती है। अपघटन मतलब क्या होता है बच्चों, टूटना। अपघटन मतलब क्या होता है, अपघटन मीन्स होता है बच्चों क्या होता है, टूटना। और जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए, दो या दो से अवयवों में टूट जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो आइए इसके बारे में हम सीखें। तो जब कोई पदार्थ बाह्य कारकों के कारण, बाह्य कारकों के कारण, बाह्य कारकों के कारण, जब कोई पदार्थ बच्चों बाह्य कारकों के कारण दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे अपघटन, तो बच्चों से अपघटन अभिक्रिया, तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें बच्चों, यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है। तो हमने बच्चों आपको बताया कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट के बच्चों गर्म करते हैं, यदि इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और आपका बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बच्चों क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर कोई एक पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट, ये दो पदार्थों में टूट गया, तो आपकी कौन सी अभिक्रिया रही बच्चों, अपघटन अभिक्रिया रही। तो यहाँ पर हमने एक हेडिंग लगाया बच्चों, एक पॉइंट है आपका, देखिए यहाँ पर बाह्य कारक, और बाह्य कारक आपके दृष्टि के देखे, आपके बुक के दृष्टिकोण से देखे बच्चों, तो तीन बाह्य कारक को आपको जानना है। एक उष्मा, उष्मा के कारण आपका पदार्थ टूटा तो उष्मीय अपघटन। दूसरा आपका प्रकाश, प्रकाश के कारण टूटा तो प्रकाशीय अपघटन। तीसरा विद्युत, अगर विद्युत के कारण टूटा तो विद्युत अपघटन होगा। तो बच्चों इसे हम आओ समझे, अपघटन अभिक्रिया के प्रकार, अपघटन अभिक्रिया के प्रकार, अपघटन
अभिक्रिया के प्रकार। तो अपघटन अभिक्रिया के प्रकार बच्चों आपका क्या हो सकता है, तो ये आपके तीन हो सकते हैं। एक, यदि हमने बताया उष्मा के कारण टूटे तो आपका क्या होगा बच्चों, उष्मीय अपघटन होगा। क्या होगा आपका, उष्मीय अपघटन होगा बच्चों। यदि यही आपका बच्चों प्रकाश के कारण टूटे तो क्या होगा आपका, प्रकाशीय अपघटन होगा। और यही बच्चों आपका किसके कारण टूटे, विद्युत के कारण टूटे बच्चों तो आपका क्या होगा, विद्युत अपघटन होगा। तो ठीक है बच्चों, ये तीनों अपघटन अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है। यदि उष्मा के कारण टूटे कोई पदार्थ उष्मीय अपघटन, प्रकाश के कारण टूटे तो प्रकाशीय अपघटन, विद्युत के कारण टूटे तो आपको क्या होगा बच्चों, विद्युत अपघटन होगा। और बारी बारी से इन तीनों अभिक्रियाओं के बारे में बच्चों हम पढ़ते हैं। तो आपका उष्मीय अपघटन की बात करें, उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन क्या है बच्चों, जब अपघटन अभिक्रिया, क्या बच्चों, जब अपघटन अभिक्रिया, जब अपघटन अभिक्रिया उष्मा के कारण होती है, उष्मा मतलब बच्चों ताप, ताप के कारण होती है, ताप के कारण होती है तो उसे बच्चों, तो उसे उष्मीय अपघटन, तो उसे क्या कहें बच्चों, तो उसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, तो उसे बच्चों क्या कहें, उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह अपघटन अभिक्रिया बच्चों जो उष्मा के कारण होती है उसे हम क्या कहते हैं, उष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें, उष्मा दें, तो यदि एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें मतलब क्या, उष्मा दें, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बच्चों टूट जाता है, तो ये क्या बच्चों आपका, उष्मीय अपघटन है। तो आओ हम अगले रिएक्शन की बात करें जो आपको क्या बच्चों, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है। तो प्रकाशीय अपघटन क्या है बच्चों, प्रकाशीय अपघटन क्या बच्चों, प्रकाशीय अपघटन। तो प्रकाशीय अपघटन क्या है, अगर कोई अपक्रिया प्रकाश के कारण संपन्न हो रही है, अगर कोई अपघटन अपक्रिया प्रकाश के कारण संपन्न हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय अपघटन कहेंगे। तो बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे आपका, जब अपघटन अपक्रिया, जब अपघटन अभिक्रिया, क्या बच्चों, जब अपघटन अभिक्रिया प्रकाश के कारण संपन्न होती है। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी क्वांटम केमिस्ट्री कहती है वह आपकी कहती है जो प्रकाश है फोटॉन के रूप में चलता है और जिसकी ऊर्जा एच म्यू होती है। जब अपघटन अपक्रिया प्रकाश के कारण, प्रकाश के कारण, जब अपघटन अपक्रिया प्रकाश के कारण, प्रकाश के कारण संपन्न होती है, प्रकाश के कारण संपन्न होती है, संपन्न होती है तो उसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया
कहते हैं। जैसे बच्चों हम बात करें सिल्वर क्लोराइड AgCl को हम गर्म करते हैं तो हमें Ag प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। जब हम AgCl को प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, Ag मिलेगा और क्या मिलेगा हमें, Cl2 मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब निकला इसका एग्जांपल बच्चों, कि जब हम आपके AgCl को हम गर्म करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर 2 इसलिए लिया कि आपको क्लोरीन गैस Cl2 होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा कि क्लोरीन गैस निकल जाए, तो आपको क्या प्राप्त होगा बच्चों, 2 Ag प्लस Cl2 क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। तो यह आपका क्या है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है। और एक अभिक्रिया आपकी और बची हुई है, वह है विद्युत अपघटन। तो यहीं पर आपका हम बता देते हैं आपका विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जो विद्युत के कारण संपन्न होती है वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जो विद्युत के कारण, जो विद्युत के कारण संपन्न होती है, विद्युत के कारण संपन्न होती है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं बच्चों। उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आई? जैसे कि यदि हम H2O का विद्युत अपघटन करेंगे बच्चों तो हमें ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एग्जांपल, इसके बच्चों हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि जब हम H2O, अच्छा H2O का रासायनिक नाम क्या है, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ये आप याद रखिएगा, अक्सर लोग पूछते हैं कि H2O का रासायनिक नाम क्या है, तो H2O, तो याद रखिएगा डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड, इट इज द नेम ऑफ योर H2O। तो नाउ वी आर कमिंग योर विद्युत अपघटन, या फिर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस, और बच्चों क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन गैस बच्चों प्राप्त होती है और हमें क्या प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका लेक्चर अपघटन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया क्या होती है। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हो, जहाँ पर आपको डाउट्स हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अब मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।